एफटीओ प्रोसेस नो होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपसे 15 नवंबर को 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपसे बहुत सारे किसान का जो स्टेटस है स्टेटस पर अपडेट नहीं हो रहा है, यानी कि एफटीओ प्रोसेस यस नहीं हो रहा है। बहुत सारे किसान का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेटस है और बहुत सारे किसान का आरएफटी सिग्नेचर फॉर इंस्टॉलमेंट आ रहा है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा सब्सक्राइबर किस तरह एफटीओ नो से यस किया है इसके बारे में आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सभी लाभार्थी को फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके अपने जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस है स्टेटस को ओपन करना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के लिए सिंपली आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा है सेम कैप्सा इस पर डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जिन किसान के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उन सारे किसान ये आधार नंबर और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस पर आने के बाद सबसे पहले इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप लोग सिर्फ फॉलो कीजिएगा मोबाइल नंबर शो कर रहा है कि नहीं, अगर मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आ रहा है एलिजिबिलिटी स्टेटस, जैसे कि देखिए ये जो किसान है ये किसान का आप लोग देख लीजिएगा, इसमें लैंड सेडिंग भी यस है, ईकेवाईसी भी यस है और आधार बैंक सेडिंग स्टेटस भी यस है। उसके बाद देखिए ये जो किसान है ये किसान का एफटीओ प्रोसेस नो बता रहे और इसमें क्या आ रहा है देखिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहे। दोस्तों जिन किसान का एफटीओ नो से यस नहीं होगा उन सारे किसान को पैसा नहीं मिलेगा, एफटीओ यस होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अभी देखिए ये जो किसान है ये किसान का 3 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है, उसके बाद पेमेंट स्टेटस की जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट भी आ चुका है। अभी ये जो किसान है ये किसान का 3 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, लेकिन 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट पाने के लिए एफटीओ को नो से यस करना होगा। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं ये जो किसान है ये किसान ने एफटीओ को नो से यस कैसे किया है। 3 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह 2 दिन पहले इसमें एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा था, अभी यस हो चुका है। ये किसान का क्या क्या वेरिफिकेशन सही रखा है ये भी जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है आपके राज्य सरकार की तरफ से आपके जो दस्तावेज है इसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट अभी होने वाला है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आने के बाद अगर आपका एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है इसका मतलब आपके जो दस्तावेज है इसको वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करा लिया है। उसके बाद आ रहे हैं जिन किसान का इसमें आरएफटी सिग्नेचर फॉर इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं। दोस्तों आरएफटी सिग्नेचर फॉर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, आपकी जो पैसा है यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो पैसा आपको मिलने वाला है ये पैसा के लिए राज्य सरकार की तरफ से आपको केंद्र सरकार के पास रिक्वेस्ट कर दिया है। अगर आपका आरएफटी जनरेट हुआ है एफटीओ प्रोसेस यस हुआ है उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आरएफटी इसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अगर एफटीओ यस नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये जो किसान है ये किसान का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। कॉपी करके सबसे पहले हम देखेंगे डीबीटी स्टेटस, अगर आपका डीबीटी स्टेटस सही है उसके बाद ही आपका एफटीओ प्रोसेस यस होगा। तो दोस्तों डीबीटी स्टेटस चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों इस पर आने के बाद सिंपली आप सबसे पहले ये जो कैटेगरी है इसके आप पीएम किसान सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को इसमें जो डीबीटी स्टेटस बता रहे हैं इसमें स्टेटस ऑफ वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए एंटर बेनिफिशियरी कोड ये ऑप्शनल है, उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी, इसके जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा है ये वोट वेरिफिकेशन की जगह डालना होगा। वोट वेरिफिकेशन की जगह डालने के बाद चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद नीचे रिजल्ट ओपन हो जाएगा। देखिए ये जो किसान है ये किसान का सब कुछ सही बता रहा है, इसमें एप्लीकेशन आईडी भी शो कर रहा है, आधार नंबर भी शो कर रहा है, अकाउंट नंबर की जगह ब्लैंक है, बैंक नेम की जगह ब्लैंक है, आईएफएससी कोड की जगह ब्लैंक है। अगर आपका डीबीटी स्टेटस पर इस तरह सेम टू सेम आ रहा है अपडेटेड बता रहे तो दोस्तों आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एफटीओ प्रोसेस 14 नवंबर से लेकर 15 नवंबर सुबह के अंदर ही आपका एफटीओ प्रोसेस 9 से यस हो जाए। अभी देखिए ये जो किसान है ये किसान का एनपीसीआई जो स्टेटस अपडेट हुआ था इसमें क्या बता रहे, 1 जुलाई 2023। अभी आप सभी को क्या करना होगा अपने पीएफएमएस लाइव अपडेट को चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे किसान का इसमें जो अपडेटेड नहीं रिजेक्ट आएगा उसके बाद भी एफटीओ प्रोसेस हो सकता है। दोस्तों क्यों मैंने बताया है कि इसमें रिजेक्ट होगा उसके बाद भी एफटीओ प्रोसेस यस हो सकता है ये भी जानेंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है डीबीटी वेबसाइट अपडेट होने में आपको 1 महीना लगता है, यानी कि 1 महीना में एक बार ही अपडेट होता है, लेकिन पीएफएमएस का जो लाइव स्टेटस है वो भी
चेक करना आपके लिए मैंडेटरी है। दोस्तों PFMS का लाइव हिस्ट्री चेक करने के लिए आप सभी को डायरेक्ट ये पेज पर आना होगा। ये पेज का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग hindiinfo.info ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट की जो कंटेंट है वो चेक करके आप ये डायरेक्ट पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद आप सभी को ये जो चार्ज बार है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें जो भी पेन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें जो भी स्टार लिखा रहे स्टार को हटाना होगा। स्टार को हटाने के बाद स्टार की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चार्ज करना होगा। चार्ज करने के बाद PFMS की तरफ से लाइव अपडेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, पेमेंट मोड आधार है और PFMS रेस्पॉन्स का जगह एक्सेप्ट है। और इसमें PFMS रेस्पॉन्स डेट क्या बता रहे, देखिए 1 जुलाई 2023 है। और DBT का जो पोर्टल है पोर्टल पर भी आप चेक कीजिएगा, इसमें देखिए 1 जुलाई 2023 है। मतलब ये किसान का PFMS की तरफ से भी सब कुछ सही बता रहे। और एक बात है दोस्तों, जिन किसान का इसमें पेमेंट मोड आधार आ रहा है और PFMS की तरफ से एक्सेप्ट आ रहे और DBT स्टेटस पर इसमें अपडेटेड नहीं आ रहा है, क्रेडिट बता रहे रिजेक्ट आ रहा है, उसके बाद भी आपको FTO प्रोसेस यस होगा और आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा मिलेगा। दोस्तों आप सभी का क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद ही हम दूसरे वीडियो डालने के लिए इजी होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उनमें जाके आप सभी लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को दूसरे किसानों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।